मेरे घर और मेरी जिंदगी इस कुत्ते की हैसियत तो है लेकिन आपकी नहीं। दादाजी से मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो रही है। जी आप खाना तो शुरू करें, सलीम गए हैं सैफ को लेने। भाई साजिदा कमाल करती हो तुम भी। अरे आते ही बच्चे को अनजान शहर में कामों पे लगा दिया तुमने। अरे बीजान कराची कहाँ से अनजान शहर हो गया? पर अमेरिका वालों के लिए तो है ना। अरे अमेरिका वालों की बात नहीं है, रहने दो तुम भी बस। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जियो। बैठो बैठो बैठो, खाना खाओ। अरे कहाँ बैठो, जाए जाकर फ्रेश हो जाए, जरा थका हुआ है बच्चा। पर थका हुआ तो नहीं लग रहा ये। फिलहाल तो थका हुआ नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्ट अगर यहाँ पर आता तो जरूर थका हुआ। मजाक कर रहे, दोस्त के पास गया था सामान पहुंचाने के लिए, वरना सीधा यहाँ आता। अच्छा भाई बहुत बातें हो गई, चलो अब सब लोग खाना खाओ, शुरू करो। कब से तो इंतजार हो रहा था। लाओ तुम भी ले लेते पहले। मुझे जानती हो मैं कौन हूं? तुम्हारी फुफ्फो हूं मैं। वकार मेरा सबसे छोटा और लाडला भाई था। उसने हमेशा हमारा सर फखर से बुलंद रखा। ये घर भी उसने शादी से पहले बनवाया था। पता है इतना क्रिएटिव था कि इस घर को इस तरह से डिजाइन किया कि हर खिड़की से तूफानी हवा आती थी। अब्बा को इतराज भी था लेकिन वो कहता था मैं हवा के बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है जिस दिन वकार का प्लेन क्रैश हुआ मेरा ऑपरेशन होने वाला था। मुझे ये खबर हॉस्पिटल में ही मिली थी। कुछ तो बोलो, वकार तो इस दुनिया से नाराज ही चला गया। तुम्हें कुछ कहो, बोलो ना बेटा, कुछ तो कहो मेरी जान। सैफ यहाँ आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हारे रिश्ते की। किस रिश्ते की? भाई मुझे पता करना है कि तुम्हें तूबा पसंद है या सारा। कोई भी नहीं। क्या मतलब है सैफ, तुम तूबा को भी जानते हो, सारा को भी जानते हो, और सब तो ये समझ रहे हैं कि तुम सारा को पसंद कर रहे हो। मैं अब हर जानने वाली से शादी तो नहीं कर सकता। सैफ वो मेरी भतीजियां हैं। यू नो व्हाट, आपकी भतीजियां मुझ में इंटरेस्ट ले रही होती है, बट आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। सैफ लिसन मॉम, सॉरी टू से, लेकिन आपकी भतीजियों में कोई ऐसी नहीं है जिससे मैं शादी करूं। तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? जो बहुत सादी सी, बिल्कुल सिंपल। और आजकल के दौर में तुम्हें ऐसी लड़की कहां मिलेगी? नसीब से। Ah, 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 ah.
तुम रात को इस वक्त मुझसे ये पूछने आए हो? तो अब अगर घर में किसी को इतने दिनों के बाद देखूंगा तो सवाल तो बनता है ना? अब पता चल गया, बकार चाचू की बेटी है वो सितारा। चलो अब जाओ, टाइम नहीं देखा तुमने, कितनी देर हो गई है। ओके ओके, गुड नाइट। नानू, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों? जानना चाहता हूँ उसके बारे में। After all, she's my cousin. मतलब जितना जानते हो वो काफी नहीं है? शायद नहीं। क्यों भाई, और ज्यादा जानकर उसके बारे में किताब लिखनी है क्या तुमने? नानू, I'm serious. अरे कमाल करते हो मेरा बेटा, माँ को बताया है तुमने? सीरियस? ये माँ को क्या बताना है भाई? अरे आओ भाई, ये बताना है कि तुम्हारे बेटे को लड़की पसंद आ गई है। क्या? पापा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा। और सारा, ये तुम्हारे लिए। और इसमें क्या है? बेटा ये कंगन है, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए लाई हूँ। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। अरे बहू के लिए लाई हो तो पहना भी दो ना उसे। लो, इसे पकड़ो। क्या बोलता है? नानो, मैं सितारा के साथ मंगनी की शॉपिंग करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लोग क्या कहेंगे? अगले हफ्ते वो शादी करके मेरे घर आ जाएगी, किसी को क्या एतराज है? अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। अच्छा नानू, आपकी दोनों पोतियां मेरे साथ घूमती रहती हैं, पर वो नहीं जा सकती जिससे मेरी शादी होने वाली है। अरे ये बात नहीं है बेटा। चलो एक काम करो, तुम सबको साथ लेकर चले जाओ। सबको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा तो मुझे मौका कैसे मिलेगा उससे बात करने का? सैफ? क्या सैफ नानू, मेरा उसे बात करना जरूरी है, मेरी होने वाली मंगेतर है वो। दादी। बेटा, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? हाय मेरे लाल। मैं भी आता हूं। अरे ये क्या हो गया बेटा तुम्हारे हाथ पे? कुछ नहीं दादी। दादी ये ले लें, अजियत होती है मुझे इनसे। सारी अजियतें दूर कर दूंगा मैं तुम्हारी। हाँ सितारा, एक बार भरोसा तो कर सकती हो ना मुझ पर? अच्छा तुम्हें कुछ और भी शॉपिंग करनी हो तो तुम बता देना, स्टार्ट करें। सैफ, व्हाट्स अप फारिस, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। सेम हियर, सेम हियर। क्या कर रहे हो अब? बस शादी की शॉपिंग। शादी? बाय द वे सितारा, मीट फारिस माय फ्रेंड, एंड सितारा मेरी फियांसे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सो बिजनेस ज्वाइन कर लिया तुमने? हाँ यार, क्या करें, काम तो करना है ना। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, डैड का जमा जमाया बिजनेस है भाई। हमसे पूछो, 9 to 5 की जॉब करने वाले कभी भी फायर किए जा सकते हैं। एनीवे व्हाट्स अप? व्हाट? ओह एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सर, बोलो। व्हाट, क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ओके। सैफ की कॉल थी, वो कह रहे कि आपको नीचे रहना है, चले। अभी तक नहीं आई, इतनी देर हो गई है यार। मैं अब और नहीं रुक सकती, बस चलो। और मैं भी अब इन गंदे कपड़ों में मजीद यहाँ पे नहीं खड़ी रह सकती, प्लीज घर चलो। मामा का फोन आ रहा है, बात करो। लिफ्ट से चले जाते हैं। लिफ्ट से? हाँ जी, लिफ्ट से। आ जाओ। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं था। मुझे देर हो रही है, सैफ ने क्या कुछ हुआ है? आप आए तो सही ना, प्लीज आ जाइए। मुझे नहीं जाना, इसको बंद करें, इसको बंद करें, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बंद करें। आप ऐसे इसको बंद करें। आपको, आप मुझे छोड़े तो सही, आपको हुआ क्या है मुझे ये बताइए। सितारा, हेलो, मेरी बात है? वो शॉपिंग सेंटर की लिफ्ट में थी, लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई, बस बच्ची डर गई। जी, लेकिन मैं फिर भी यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार साइकेट्रिस्ट से कंसर्न कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, कर लेंगे मशवरा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा एक्सीडेंट हुआ है तो तुमने झगड़ा किया किसी से? फारस कुछ तो बोलो, तुम तो रिंग लेने गए थे सवेरा के लिए। हेलो, जी जी सुलेमान, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? 2 दिन रह गए मंगनी में, कैसे कैंसिल कर दूं मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा दोस्त? सुलेमान, हेलो, हेलो, क्या क्या कह रहे हैं वो, क्या कॉल ऑफ कर रहे हैं? मंगनी कैंसिल करने का बोल रहे हैं। क्या फारिस? अब बताओगे क्या हुआ है?
सैफ, सैफ तुम हो कहां? घर आओ, मैं बीजान को क्या जवाब दूं? हरगिज नहीं सैफ, तुम्हें खुद आना होगा। मैं तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मान सकती। क्या नहीं मान सकती साश्ता? कुछ नहीं बीजान, वो सलीम बता रहे थे आपकी तबीयत खराब है। सिर्फ तबीयत का बताया उसने, वक्त का नहीं बताया। ये नहीं कहा कि बीजान का वक्त भी बुरा चल रहा है। कैसी बातें कर रही बीजान? अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों। वैसे भी बच्चे जब जवान हो जाए तो बड़े मौका शनास हो जाते हैं। उनको खूब पता होता है किस वक्त रिश्तेदारी निभानी है, किस वक्त दुनियादारी। बीजान आप मुझसे बदगुमान ना हो। अरे भाई मैं किसी से कोई बदगुमान नहीं हो रही। खैर ये बताओ शादी कब कर रही हो? शादी? अरे हाँ हाँ भाई, मैं चाह रही हूँ कि आप फौरन शादी हो जाए। और तुमने भी तो कहा था कि एक हफ्ते में ही कर लोगी। उस वक्त की बात और थी, लेकिन अब क्या हुआ? बीजान मुझे नहीं लगता कि अब इस वाकये के बाद इस वक्त ये रिश्ता करना मुमकिन है। क्या कह रही हो तुम? इतने चाव से की हुई मंगनी तुम यूं तोड़ दोगी क्या? मंगनी कहाँ हुई है बीजान? सरसरी सा ख्याल था कि सितारा का सोच लेते हैं। इसमें देखो साश्ता, अपनों की अपनाइयत का पता बुरे वक्त में ही चलता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो कुछ हुआ उसमें सितारा का कोई कसूर नहीं है। अरे सैफ ले गया था उसको जबरदस्ती वहां पर। अरे वो घर से क्या, वो बिचारी तो कमरे से बाहर नहीं निकलती। बीजान मुझे सितारा से हमदर्दी है, लेकिन इस लेकिन का जवाब अब तुम सैफ को देना, समझी? अच्छा चलो जाओ, नींद आ रही है मुझे, मैं सोना चाह रही हूँ। बीजान कह दिया ना, नींद आ रही है, मैं सोना चाह रही हूँ, जाओ। ये भी सैफ का ही फैसला है बीजान। इस तरह मजमा लगाकर आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती नाना। नहीं बेटा, प्रेशराइज नहीं कर रही तुम्हें। तुम्हें चाहिए थी ना सितारा की पाकीजगी की गवाही, वो दे रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ फारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्यों सैफ, इसको तो जानते होगे, दोस्त है तुम्हारा। उस रोज के हुजूम में ये भी शामिल था, बल्कि ये तो सितारा के साथ लिफ्ट में खड़ा था। और ये गवाही दे रहा है कि सितारा को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। उसका दामन पाक है। बल्कि ये तो ये भी कह रहा है तुमने इसे सितारा से मिलवाया था। मैं ठीक कह रही हूं ना फारिस? जी। अच्छा तो फिर सितारा इस तरह लिफ्ट से निकलकर भागी क्यों थी? क्योंकि वो डर गई थी। इनफैक्ट उसने तो लिफ्ट स्टार्ट होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। हाँ तो ठीक है, घबरा गई होगी, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो। वैसे कौन सा वो हर वक्त आती जाती रहती है बाहर। अब बताओ सैफ, तुम्हें या किसी और को भी जरूरत है किसी गवाही की?
की पाकदामी साबित करने के लिए? मुझे जो कुछ भी फारिस ने कहा है वो सब मैं तारा के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ। ठीक है, लेकर आती हूँ मैं उसे। कैसी हो सितारा? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ क्या तुम शख्स को जानती हो? हारिस सैफ का दोस्त? लिफ्ट में था उसने तुम्हारे साथ, और लाइट चली गई थी। सितारा प्लीज कुछ बोलें आप। मैं फारिस, वो मेरी फोन पे बात हुई थी ना आपसे, और वो लिफ्ट में हम एक साथ गए थे। बताओ क्या हुआ था, क्या जबरदस्ती की थी इसने तुम्हारे साथ? बोलो की थी जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती की थी। झूठ बोल रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है, आप मुझ पे इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? सवेरा, I swear to God, this lady is lying. सैफ, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैंने मना किया था, लेकिन की थी जबरदस्ती। जबरदस्ती की थी मेरे साथ। Oh, I don't believe this. I swear to God, she's lying. Stop it! आप सर मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात, सर फॉर गॉड से क्यों? सवेरा फॉर गॉड से ट्रस्ट मी, शी इज लाइंग। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? फारिस, तुम सवेरा को लेके अकेले उसके घर चले गए? ने हमसे पूछना, मशवरा लेना जरूरी नहीं समझा? बेटा तुम गलती पे गलती कर रहे हो।
आप भी इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। फारिस देखो बेटा, तुम हमारे बेटे नहीं हो, सिर्फ हमारा गुरूर हो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, तुम वहां गए थे तो क्या हुआ, और सवेरा कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? साफ दिखाई तो दे रहा है, क्या हुआ होगा वहां? आप इसका चेहरा गौर से देखें, झूठ नजर आ रहा है। हारिस क्या हुआ वहां बेटा? मैं बताती हूं, ये नहीं बता पाएगा। उस लड़की ने वहां सबके सामने अपने मुजरिम को पहचान लिया। क्या? क्या? मां वो लड़की झूठ बोल रही थी। झूठ बोलने वाली आदत लग रही थी उसकी। भाभी आप कुछ कहिए प्लीज। क्या कहूं भाई साहब, मैं दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा फारिस के बारे में, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसा कुछ कर भी सकता है। जब फारिस ने सवेरा से कहा कि सच्चाई उस लड़की से जाके पूछ लो, तो मुझे लगा कि फारिस इतना मासूम है जैसे बचपन में था, और मैंने तो इसकी खातिर मुखालफत घर में मोड़ ले ली, और मैंने सुलेमान के खिलाफ जाकर सवेरा को इसके साथ जाने पर मजबूर किया था। सबा ये अब भी वही मासूम बच्चा है जिस पर तुम्हें सवेरा से ज्यादा यकीन है। पहले यकीन था, अब नहीं है। आंटी खबरदार, खबरदार जो कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की हमसे, आज के बाद हमारा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। क्या कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ मैं। बेहतर यही है कि इसकी शादी उस लड़की से कर दे जिसे देखकर ये अपनी इंसानियत के दर्जे से गिर गया था। हाशिम मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ। अब सवेरा का फारिस से कोई ताल्लुक नहीं। चलो सबा। सुलेमान? सबा? चलो सवेरा। सवेरा तुम्हारा ये कदम मेरी इज्जत दांव पे लगा देगा, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हारे पास इज्जत है ही कहां जो दांव पे लगाओगे। आप लोग इस वक्त? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? जी सवेरा कहाँ है और आप लोग? वो बिजी थी, बोर्ड के फॉर्मर मेंबर्स हम हैं इसलिए उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था। आप गालबन मिस्टर सैफ हैं, विक्टम के मंगेतर। बोर्ड के मेंबर? कौन सा बोर्ड? मिस्टर सैफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन विमेन राइट के लिए काम करती है, और ये हैं एडवोकेट फरजाना हुसैन, और ये हैं बस सईदा। दिस इज प्योरली अ फैमिली मैटर, इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो रात के 10 बजे ऑफिस खुलवाकर विक्टिम के मंगेतर को बुलाकर ऐसा कौन सा फैमिली मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी आप? सईदा मैंने यहाँ रात 12-12 बजे तक भी काम किया है। एक्सक्यूज मी, उस वक्त आप बोर्ड की एक्टिव मेंबर थी। जरा पढ़ लीजिए प्लीज। ये क्या है? सईदा आई एम सॉरी बिल्किस, बट एज पर कंपनी पॉलिसी जब तक आपने अपने घर में क्रिमिनल को रखा हुआ है
आप मुअत्तिल रहेंगी। मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है। क्या किसी लड़की को हैरेस करना कोई जुर्म नहीं है? इसने कोई गलत हरकत नहीं की और ना ही इसकी नीयत थी। नीयतें तो अल्लाह जानता है, और रही बात हरकतों की, वो मैं कोर्ट में देख लूंगी। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? देखिए, आई गेस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ फारिस से मिलने आया था। क्यों आए थे आप? मैंने कहा ना आपको, ये एक फैमिली मैटर है। मैं यहाँ कोई फैमिली मैटर डिस्कस करने नहीं आया। मेरा फारिस से बात करना बहुत जरूरी है। देखो सैफ, ये सब एक लफ्ज नहीं। तुम क्या चाहते हो? जो मैस तुमने क्रिएट किया है उसे साफ करो। मैंने क्या मतलब है तुम्हारा, और कैसे? सितारा से शादी करो आज। What? मेरे ख्याल है फरजाना, हमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का इंतजार कर लेना चाहिए, और जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता आप हमसे कोई रابطہ नहीं रखेंगे। बिल्किस, बेहतर है ये मामला आप यहीं सॉल्व कर दीजिएगा, और अगर ये मामला कोर्ट तक गया ना तो आपकी फैमिली की बदनामी और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जगहसाई होगी। ऑर्गेनाइजेशन की जगहसाई क्यों होगी भाई? इससे तो हमारा नाम होगा कि हमने इन्हें मुअत्तल करके जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ठीक कहा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी उस झूठी मंगेतर से शादी कर लूंगा? जो मैस तुमने फैलाया है उसे साफ भी तुम ही करोगे। सैफ, मैं तुम्हें पहले भी कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रही है, झूठी है। वो झूठ क्यों बोलेगी? दिल भर गया होगा उसका तुमसे, या फिर तुम्हारा। मेरा दिल भर गया? इतनी परवाह है ना तुम्हें, तो खुद कर लो शादी उससे। मेरा दिल खराब हो गया उससे। साहिदा बाजी, बस भी करे ना, क्या हो गया? मैं क्या करूं कुलसुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर मेरा सैफ। तो क्यों ना आगजुन कर रही हैं आप सैफ के साथ? चले सब छोड़ें, चाय पिए। अरे सब जाया जाएगा ये तुम्हारा चाय बिस्किट। अरे खाओ खाओ साजिदा, चार दिन की मोहब्बत है इन लोगों की। बीजान, आप मेरे खुलूस पे शक कर रही हैं? मैंने सुना है साजिदा, तुम्हारे लड़के ने सारा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। नहीं बीजान, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या बुराई है? बुराई यह है कि उस लड़के की लापरवाही की वजह से हमारी बेटी की इज्जत पे हर्फ आया है। सैफ की वजह से कुछ नहीं हुआ बीजान, सितारा की अपनी गलती है। कितना बोझ है तुम्हारे दिल में जाहिदा, ना खुदा का खौफ है ना मकाफात अमल का डर। क्या हुआ बीजान? अरे होना क्या है, ये तुम्हारी बीवी सारा दिन सितारा के नाम को खबर की तरह सारी दुनिया में बयान करती फिर रही है, और ये इसने खानदान भर में बदनाम करके रख दिया है मेरी बच्ची को। बकवास करते हैं लोग बीजान, आप क्यों फिक्र करती हैं? सितारा मेरी बेटी है। ये दोनों तो उसे सुख से जीने भी नहीं देंगे। सांस लेना खटकता है मेरी बच्ची का इन लोगों को, और ये सलमा को बुला बुला कर उसके कान फेरती है, सारे जहान में बातें फैलाती फिरती है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान आप? छोड़े इन्हें, चलें जाएंगे अपने कमरे में। और कैसी बातें करूं? ये करेगी सारा की शादी सैफ से इस घर में, सितारा के दिल पर क्या गुजरेगी? ये इसने या किसी ने भी सोचा है? मैंने सोचा है बीजान, ऐसा कुछ होने से पहले मैं हाशिर की शादी सितारा से करूंगा।
मैंने आपको बोला है मुझे नहीं करनी है तो नहीं करनी ना। गुस्से में तो भाई अबू मान लो जो कहे। हाशिम आओ आओ अंगूठी पहनाओ जल्दी से। सलाम अलैकुम। यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। मुझे आंटी से एक जरूरी बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। आंटी मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? मैंने आपसे कहा ना 5 मिनट, मेरा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इसे यहां से। रुको सलीम, ठहर जाओ। बोलो क्या बात है, क्यों आए हो तुम यहां? हार मानने। हार मानने या अपना गुनाह तस्लीम करने? हार मानने। अरे हमने कौन सा तुम पे कोई केस कर दिया था जो तुम हार मानने चले आए हो? ठीक कहा आपने, केस नहीं किया था आप लोगों ने, मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा के सारी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना के, और देखें देखें कितने सुकून से बैठी हुई हैं ये यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने हार मान ली, हमने माफ कर दिया, अब तुम जाओ यहां से। लेकिन मैंने तो माफ नहीं किया। जब तक ये सच नहीं बोलती मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा माफ? क्या आप सच बताएंगी आज? क्या मैं क्या मैंने जबरदस्ती की आपके साथ? मैं इनसे शादी करने को तैयार हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गलती मत कीजिएगा आप। आपकी बेटी कह रही है कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। अगर मैं इज्जत के साथ शादी करने को तैयार हूं तो इसमें क्या हर्ज है? तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? आप चले यहां से। वो छोड़ो मुझे। आप चले। समस्या रखा बाबा है। वो छोड़ो मुझे। वाह, अपनी बदनामी से बचने के लिए शादी करना चाह रहे हो? जी। देखो लड़के, जितनी हमें बर्दाश्त थी हमने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अगली बार मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ और आइंदा कभी इधर का रुख मत करना। लेकिन मैं तो हरगिज नहीं। क्यों? अगर मैं इज्जत देने को तैयार हूं। इज्जत देने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए? तो इसमें गलती क्या है? गलत? एक मर्द एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाले और उसके बाद उसी मर्द के साथ उसका निकाह करके उसके हवाले कर दिया जाए कि जाओ अब तुम्हें कानूनी हद हासिल है। सारी जिंदगी इस लड़की की तस्लील करते रहो और तुम कहते हो कि उसमें गलत क्या है? तो फिर किसके हवाले करेंगी आप? सैफ के या उसके जो यहां से अभी गया है? कोई ना मिला तो इसे चौक में खड़ा करके जिंदा जला दूंगी।
तुम्हारे हाथ में इसका हाथ हरगिज नहीं दूंगी। ठीक है, जरा एक बार इनसे भी पूछ लीजिए। इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो कोई वजह तो होगी। शुक्रिया। वो बात कर लें जिसके लिए आपने बुलाया है। बात क्या करनी है, उस घर वालों को देखना और समझना था, तो चलिए समझ लीजिए। ये बताइए आपका बेटा काम क्या करता है? आपको हाँ करने से पहले ये बात नहीं पता थी? जो कुछ हमें मालूम है उसके अलावा क्या करता है? देखिए शादी हम बहुत सादगी से करेंगे, अगर आपको इतराज ना हो। जितनी धूम पहले मच चुकी है उसके बाद सादगी ही बेहतर है। आप कुछ लीजिए ना। नहीं जी शुक्रिया, अब हम चलते हैं। आप अपनी होने वाली बहू से नहीं मिलेंगी? जिससे मिलना था मिल लिया। ये तो बुरा शगुन हो जाएगा कि आप अपने होने वाली बहू को देखे बिना ही चली जाएंगी। उसे देख लेने से कोई अच्छा शगुन हो जाएगा क्या? खुदा हाफिज। चलिए। जान, वो रुखसती का कह रहे हैं। अभी से? वो कैसे? मैं रुखसती से पहले सितारा से मिलना चाहता हूँ। लेकिन बेटा ये कुछ मुनासिब नहीं है, रुखसती तो होने ही वाली है। ये मेरा कानूनी और शरई हक है, मैं मिलने जा रहा हूँ उससे। Come, don't be scared, I'm with you. What's up? What's up? Hello?
आपका खेल तो खत्म है। झूठ बोलना था बोल लिया, मुझ पर इल्जाम लगाना था लगा लिया, और इस घर में आना था आ गए, और बस। क्या सोच रही थी आप? हाँ, क्या सोच रही थी आप कि आप जीत गई? इतनी बेहतरीन प्लानिंग के बावजूद आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुकी हैं। हार चुकी हूं जी, हार चुकी हैं, क्योंकि इस कमरे में, इस घर में और मेरी जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। यू आर नोबडी टू मी। I'm nobody to you. Yes, you heard it right. मेरे घर और मेरी जिंदगी में इस कुत्ते की हैसियत तो है, लेकिन आपकी नहीं। देखो, मैं इस वक्त कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूं। मुझे माफ कर दो वारिस, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जिंदगी का तमाशा बना के आई एम सॉरी। वाह, लेकिन अब तो हो गया ना वारिस, अब तो मैं माफी मांग रही हूं ना। तुम छोड़ दो उसे। किसे? उस लड़की को। वो लड़की जिससे शादी करने का मशवरा तुमने दिया था मुझे, माफी भी तो मांग रही हूँ ना फारिस। कर दिया माफ मैंने तुम्हें। माफ कर रही हो तो फिर छोड़ दो ना। छोड़ूंगा तुम्हें ऐसे किसी कीमत पर नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत। फारिस नहीं, तुम्हें किसी को कुछ कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे बेगुनाही तुम्हारे सामने नहीं, दुनिया के सामने साबित करनी है। मेरा भरोसा काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए फारिस? तुम भी तो दुनिया पे भरोसा कर रही थी ना। मैं क्या मिलेगा उसे जगह जगह जलील करके? सुकून। और मेरा क्या होगा फारिस? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम उस लड़की के साथ रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हो जाए। ये लड़की तुम्हारी बेतबारी की वजह से मुझ पर मुसल्लत हुई है, थोड़ा सा तुम भी सहो ना। फारिस, जल्दी से घर आ जाओ। फारिस, जल्दी से खुदा के लिए घर आ जाओ। सवेरा ने अपनी कलाई काट ली है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? ठीक है, I'm coming. Thank you.
गुस्ताख दिल बिना मोहब्बत ही मोहब्बत कर गया, गुस्ताख दिल बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, वादों से मुकर गया दिल दिल से उतर गया, बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, गुस्ताख दिल गुस्ताख दिल गुस्ताख दिल गुस्ताख दिल फारिस। डोंट, अपनी जुबान से आज के बाद मेरा नाम मत लीजिएगा। कपड़े घर से शादी किए बगैर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा मेका है। मामा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। कभी तो करोगे ना, बिना शादी किए जिंदगी तो नहीं गुजारनी। कर लूं बात सारा के लिए? अगर आपके लिए बात करना इतना ही जरूरी है तो फिर कर ले, लेकिन सारा के लिए नहीं। है? प्लान्स बना करते थे। वाओ, किसी ने इतना भी नहीं सिखाया कि नॉक करके अंदर आते। खड़ी रहोगी या सर्व करोगी? लड़की, सर्व करना भी नहीं आता तुम्हें? मेरे नए जूते थे फारिस, साफ करो अभी। नहीं देख रही क्या हो? साफ करो। दिन पहले कहा था पुराना सामान निकालने को, अभी तक निकाला क्यों नहीं? बस निकाल ही रही हूँ बीबी जी।
पुराना सामान ही निकाल रही हो या दोस्तों के बारे में भी ऐसे ही ख्याल है? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम जाओ जाके सना बाजी के लिए कुछ लेकर आओ। इनका क्या करूं? अरे अभी तो जाओ, और तुम इधर आओ बैठो। हाँ मैं तो बैठ जाऊंगी, पर वो जो नीचे खड़ा है उसका क्या होगा? कौन? हमजा। ये रोज रोज क्यों नाजिल हो जाता है? सितारा, मोहब्बत करने वाले नसीब वालों को मिलते हैं, इस तरह बेकदरी मत किया करो। इसमें नाकदरी वाली कौन सी बात है? डैड के कहने पे मैंने उसको हाँ कर दी, अब रोज रोज हाजिरी देना तो जरूरी नहीं है ना। प्यार करता है वो तुमसे बेवकूफ, हमसे तो सारी दुनिया प्यार करती है। ये तो अल्लाह का तुम पे एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी मोहब्बतों से नवाजा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मैं मोहब्बत के लायक हूँ। नसीब बदलते देर नहीं लगती। नसीब अगर बदल भी जाए तो इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? नसीब अगर बदल जाए तो कदमों में पड़े लोग ठोकरे मारने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। सही से साफ करो। एक बात याद रखना मेरी, मैं आंटी नहीं हूं जो तुम्हारे मजलूमियत के ड्रामे में आ जाऊंगी। ये जिस निगाह पे तुम इतना घमंड करती हो ना, अगर इसे ही तुम्हारे पांव की जंजीर बना के तुम्हारा मजाक नहीं बना दिया तो तब क्या ना? You can leave now. जाओ। हेलो जी, मैं सितारा की दादी बात कर रही हूँ। मैंने आपको कहा ना कि रॉन्ग नंबर है। बताओ किस चीज का दाग है ये, बोलो। चाय का। चाय का? ये चाय का दाग है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो बताओ किससे लगा है? मुझसे। क्या कैसे लगा? गलती से। तुम्हारा हर गलत काम गलती से होता है। वैसे तुम जैसे लोगों को इन चीजों की अहमियत का क्या पता? अब बताओ कैसे लगाए दाग? चाय से। चाय का रंग है ये चाय का रंग है? Do you even know what art is? आर्ट के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं? अच्छा तुम परेशान, मैं कुछ करती हूँ। Hi guys. अरे आओ सवेरा, आओ बैठो, जाके जूस पानी ले आओ, जाओ। बहुत गर्मी है ना? ये चीखते हुए रंगों से कौन सा सोम खा रहे? कलर का इस्तेमाल करना नहीं आता? और भी तो स्टूडेंट्स हैं, सितारा का काम देखो। सर का प्रॉब्लम क्या है? ब्रीफ। मतलब प्रॉब्लम ये है कि लोग उनके ब्रीफ पर काम नहीं करते। छोड़ो ये देखो। कम, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
Why are you being so hyper today? Easy. Oh. क्या है? इसको छोड़ दीजिए. Domingo, आपके पास छोड़ दूँगा. Very nice. ताकि आप इसका भी वही हाल करें जो आपने मेरी पेंटिंग की है. Let's go, baby. Let's go. बीजान, ये आप क्या कर रही हैं? अरे क्या कर रही हूँ? सही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ मैं. बाहर इतनी बारिश हो रही है और आप सितारा को ढूंढने मरी जा रही हैं? बीजान, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हैं बीजान? घर में तकरीबन की तैयारियाँ चल रही हैं और आप सितारा को ढूंढने जा रही हैं? सितारा ने आपको कोई पता ठिकाना बताया भला? अरे बेटा, ढूंढने वाले समंदर में से मोती निकाल लाते हैं. अरे मरी कौन सा इतना बड़ा शहर है जो मैं नहीं ढूंढ सकती उसे? थोड़ी देर सफर कर ले, उनके फोन का इंतजार कर ले. फोन का इंतजार? लो, अरे उठाता तो है नहीं फोन हमारा, वो करने क्या देगा उसे? अपने से ऊंचे घर में शादी की है तो जिगर तो बड़ा रखना पड़ेगा ना बीजान. आशिर कहाँ है? आया नहीं अभी तक. अकेले कहाँ जाएंगी? साथ चला जाता. अभी तो आया है वो, इतनी बारिश में कहाँ जाएगा? और वैसे भी बीजान उनका फोन बंद जा रहा है. अरे रहने दो बस, किसी को जरूरत नहीं है मेरे साथ जाने की. मोहताज नहीं हूँ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, खुद चली जाऊंगी मैं. हाँ बस दादी, मैं जाऊंगा आपके साथ. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सितारा, पता है तुम्हें, सितारा जब शुरू शुरू मेरे पास आई थी ना, तो अपने हाथ से खाना तक नहीं खाती थी, सिर्फ मेरे हाथ से खाती थी. ना खिलाऊं तो दो दो दिन भूखी पड़ी रहती थी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी अपना. और ये सब आप मुझे क्यों बता? क्योंकि अब तुम ही उसके सब कुछ हो, तो उसका ख्याल तो रखते हो ना. क्या लगता है आप? मुझे तो लगता है कि मेरे बाद सबसे ज्यादा सितारा का अगर कोई ध्यान रख सकता है तो वो तुम. अच्छा, इतना भरोसा हो गया मुझ पे? भरोसा ना होता तो अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे देती क्या? और वैसे भी अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है बेटा. जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मजबूरी. खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ. अरे बेटा, अभी तो मैंने जी भर के अपनी पोती को देखा भी नहीं. तो देख लीजिएगा अपनी पोती को जी भर के, उसको आपके पास ही छोड़ने आया. क्या मतलब? लंदन जा रहा हूँ कुछ अरसे के लिए, आपकी पोती को आपके हवाले करने आया. मेरी पोती तुम्हारी भी कुछ लगती है? कुछ नहीं लगती. तुम्हें रिश्ते का कोई एहसास नहीं? जिस रिश्ते की बुनियाद वतन पे रखी गई हो, उस रिश्ते में सिवाय जिल्लत के और कोई एहसास नहीं होता. मेरी पोती न झूठ बोलती है और न झूठा इल्जाम लगाती है. लेकिन मुझ पर तो इल्जाम लगाया था उसने कि मैंने उसकी इज्जत. अगर वो ऐसा कह देती तो मैं कभी उसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती. लेकिन उसने. बारिश थम जाए तो चले जाना, रुक जाओ थोड़ी देर.
Tommy? Tommy, what's wrong? Tommy? छोड़ दीजिए। टॉमी को आपके पास छोड़ दूंगा। वेरी नाइस। ताकि आप इसका भी वही हाल करें जो आपने मेरी पेंटिंग का किया। खादिम खादिम टॉमी को खाना तुमने दिया था? जी। क्या दिया था? वही दिया था जो मैडम ने बनाया था। ठीक है तुम जाओ। बेटा इधर उधर देखना बंद करो, अब अपनी नजरें सिर्फ तूबा पर जमाओ। बीजान रस्म शुरू करें। सितारा बेटा ऐसे ही बैठी रहोगी? चलो उठो दुल्हन की रस्म शुरू करो। सितारा बेटा मैं तो भूल ही गई, दुल्हन की रस्म तो सुहागनें करती हैं। क्या हो गया ज़ायदा? सितारा शादीशुदा है और खुश है। कभी कभी वैसा होता नहीं है जैसा दिखता है। क्या ये अपने घर में खुश नहीं है? खुश होती तो अपने घर में होती, यहाँ नहीं। अरे वो तो अपनी बहन की माइयों में आई है। ये किसने कहा आपको? इसका शौहर हमेशा के लिए इसे यहाँ फेंक गया है और खुद वापस इंग्लैंड चला गया है। ज़ाहिदा फेंक कर नहीं गया, वो यहाँ रहने के लिए छोड़ कर गया है। अच्छा बीजान, तो ये यहाँ कब तक रहेगी? कब लेकर जाएगा? है जवाब आपके पास? अच्छा तो सितारा तुम ही बताओ, तुम्हारा शौहर जो तुम्हें कचरे की तरह यहाँ फेंक कर गया है, कहा है उसने कब लेने आएगा तुम्हें, या फिर इसके लिए छोड़ गया तुम्हें? सच्ची जान अब आप ज्यादती कर रही हैं इसके साथ। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो कब आ रहा है इसका जायज शौहर। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक। सितारा को लेने आया हूँ।
अगर रस्म खत्म हो गई हो तो हम जाएं। कहा था ना छोड़ के ना जाओ। अब लेके जा रहा हूं, अब वापस ना लाना इसे। तू बाग कहाँ जा रही हो? अरे साहिदा बाजी रहने दीजिए, ऐसी हालत में ऐसा होता है। अरे भाई अब इसे और नहीं खिलाना, हालांकि इस हालत में ज्यादा खाने की जरूरत है। कहा ना कोई जरूरत नहीं है खिलाने की। तूबा को भने ना हो साजदा बाजी, बच्चे को तो है। बच्चे को साहिदा खामोश हो जाओ। अब तुम मैं क्यों चुप हो जाऊंगी जान? साजिदा बाजी सैफ ने बताया नहीं आपको, आपका पोता सैफ से पूछिए ना। सैफ ये क्या कह रही है? मुझे क्या पता ये क्या कह रही है। कुलसुम भाभी आपने साजिदा बाजी को बताया नहीं था एक पारसा बहू के साथ एक मासूम भी? खबरदार जायदा, जो किसी और का गुनाह मेरे बेटे के सर पे थोपा। मुझ पर चिल्लाने की बजाय अपने बेटे से ये सवाल कीजिए, पूछिए अपने बेटे से। चुप हो जाओ जायदा। गुनाह नहीं है ये। अरे जिसका है उसी से शादी कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? मॉम मुझे इस घर में शादी नहीं करनी, चलें यहां से। तो सब के सब चलें। अपना गुनाह छुपाने के लिए? गुनाह नहीं किया मैंने, मिटा किया था। टॉमी क्या हुआ? Is everything all right? बेटा ये क्यों इतना शोर मचा रहा है? आधी रात हो रही है, बुलाओ खादिम को, पता करो उसके साथ क्या मसला है। पता नहीं माँ क्यों भौंक रहा है, वो सितारा भी घर पर नहीं है। लो फिर ड्रामे शुरू, इसको तो खुदा के वास्ते चुप कराओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर फॉरेस्ट जी, पेशेंट आपकी क्या लगती हैं?
जी? मेरा सवाल इतना मुश्किल तो नहीं है। मैसेज है मेरी। शादी को कितना टाइम हो गया आपके? 10 से 15 दिन। बड़ा हिसाब रखा हुआ है आपने। खैर, इतनी जल्दी ये नौबत कैसे आ गई? अब ये बताएं, ये इस हाल पर कैसे पहुंची? ये तो खुद आपको बेहतर बता सकती है। कब से इन्हें भूखा रखा हुआ है, ये जवाब तो आप देंगे ना? क्या कहना चाहती हैं? आप पेशेंट की हालत देखें और ये बताएं कि आपने इन्हें कब से खाना नहीं दिया है। देखें, हमारे घर में खाने की कमी नहीं है, सही है? आपके घर में तो रहने के लिए जगह की भी कमी नहीं होगी, लेकिन आपने इन्हें एक ऐसी जगह पे बंद रखा था जहाँ पे हवा का गुजर नहीं था। देखें, हमने उन्हें वहाँ पर बंद नहीं किया था और लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो वहाँ पर कैसे बंद। मिस्टर पारस, अगर मेरी जगह यहाँ पे कोई और डॉक्टर होता तो पेशेंट बात में लेता, पहले पुलिस को बुलाता। आप पढ़े लिखे खानदान के लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपसे बात कर ली जाए। ऐसा सुलूक तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता जो सुलूक आपने इनके साथ किया है। आपको पता है कितना बड़ा ये जुर्म है, किसी को भूखा प्यासा और कैद में बंद रखना। आई होप अब आप इनका ख्याल रखेंगे। सितारा यहाँ रहती है? रहती थी, अब चली गई है। चली गई? कहाँ चली गई? अपने घर। अब अपने घर लाहौर चली गई? नहीं, शादी हो गई उसकी। क्या, उसकी शादी हो गई और उसने मुझे बताया तक नहीं? बड़ी बेमुरव्वत निकली वो। तुम सितारा की सहेली हो ना? जी, उसने कभी नहीं बताया मेरे बारे में। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? अरे बेटा, जहन से निकल गया होगा उसके। अच्छा ये बताओ बेटा, चाय पियोगी या कोल्ड ड्रिंक लोगी? कुछ नहीं, बस पानी। अच्छा, फयाज। स्टोर में किससे मन किया था बताएं? किसी ने मन किया था आपको? वो तुमसे बात करती थी? वो चुप ही कहां होती थी, वैसे वो आएगी कब यहां? उसका फोन भी बंद है, क्या नंबर चेंज कर लिया है उसने? ऑनलाइन भी नजर नहीं आती। मैंने तो सोचा था यूके से डायरेक्ट कराची आके उसे सरप्राइज करूंगी। मगर मुझे एक बात बता, ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ है मेरे पास? हॉस्पिटल से पता चला, वरना मैं तो 2 साल तक यही समझ रही थी कि वो हमजा के घर है। हमजा? हमजा कौन? हमजा सितारा का मंगेतर था ना, बहुत प्यार करता था वो सितारा से। मगर किस्मत, मैं जैसे ही इस्लामाबाद पहुंची मुझे हमजा की डेथ की खबर मिली। मैं उड़ के सितारा के पास जाना चाहती थी, मुझे लगा उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा, वो बहुत तकलीफ में होगी। लेकिन वो बहुत पुरसुकून थी, मैंने देखा वो सो रही है, हर गम से आजाद। मुझे नर्स ने बताया कि वो किसी औरत की कार से टकरा गई थी और वो औरत उसे हॉस्पिटल छोड़ गई थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि कोई दिमागी सदमा है जो उसे आंखें नहीं खोलने देता, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो सदमा तो वकार अंकल और महताब आंटी की मौत का था, जो शायद उसे रोड पर ही मिला था। डॉक्टर्स पूर्व उम्मीद नहीं थे,
सितारा बेहोशी से कोमा में चली गई। मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करने यूके वापस जाना था, लेकिन मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं जब वापस आई तो मुझे पता चला सितारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। मैं बहुत खुश हुई कि वो ठीक हो गई है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो हमजा के घर चली गई है। मैं खुश थी कि वो ठीक हो गई है, लेकिन हमजा के घर अस्पताल से तो मुझे फोन आया था। फारिश जी, कैसी है? कौन? तुम्हारी बीवी। बाबा, मैं इस बारे में बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम्हारी पोजीशन तो उसी वक्त वीक हो गई थी जब तुमने उस लड़की से शादी की थी। छोड़ दो उसे। आप जानते हैं बाबा के इस शादी के पीछे क्या वजह थी? इस शादी से जितना फायदा होना था हो चुका, बस अब छोड़ दो उसे। मगर बाबा, तुम एक इल्जाम तो क्लियर कर नहीं पाए, उसने दूसरा इल्जाम लगा दिया तुम्हारी माँ पे। लेकिन बाबा, वो वाकई स्टोर में बंद थी। माँ भी तो कह रही थी कि उसका बंदोबस्त। वो लिफ्ट में भी तो बंद थी और सारी दुनिया कह रही थी कि तुमने। छोड़ दो उसको, मैं कह रहा हूं। बाबा, मैंने कहा ना छोड़ दो उसे और सवेरे से शादी करो। एक बार शादी हो जाएगी तो प्रोजेक्ट खुद हाथ में आ जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? और कुछ नहीं चाहिए। और कल तक जो सारी दुनिया बकवास कर रही थी मेरे बारे में, वो जब सवेरे से शादी हो जाएगी सबके मुंह बंद हो जाएंगे ना। बाबा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अब किसी का मुंह नहीं बंद करना, मुझे अपना इमेज क्लियर करना है बस। अब वो लड़की गवाही कभी नहीं देगी, तुम सारी उम्र रख लो यहाँ पे उसी टाइम। गवाही तो देगी बाबा, और जब तक ये गवाही नहीं देगी उसे इस कैद से रिहाई नहीं मिलेगी। उसकी रिहाई से ज्यादा मुझे फिक्र तुम्हारी कैद की। ये देखो, ये खाके सोई थी वो और इल्जाम तुम्हारी माँ पे लगा दिया। हमजा के घर तो शायद मैं कभी ना जाती, क्योंकि वो उसका मंगेतर था। बेहतर होगा कि आप सब भूल जाए। वाकई आप ठीक कह रहे हैं, ये सब भूल जाना चाहिए। वो तो दुनिया से ही कट गई है बेटा, क्या उसे अपना मंगेतर याद होगा? आप मुझे उसका नंबर दें, बल्कि आप ऐसा करें मुझे उसके ससुराल का एड्रेस दें, मैं अभी उसे दुनिया में वापस लाती हूँ। एड्रेस? अच्छा रुको, बेटा एड्रेस तो नहीं है मेरे पास लिखा हुआ, तुम अपना फोन नंबर दे जाओ मुझे, मैं उसे दे दूंगी और तुम्हें खुद फोन कर लेगी। जी ठीक है। तबीयत कैसी है बाबा? आप नीम की दवा खाते हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, मेरी बात का जवाब दें। नहीं। आपकी है लेकिन आप ये खाती नहीं। जी। आप
मुझे पहले से जानती है। जी। कोई दुश्मनी है मुझसे? नहीं। फिर इल्जाम क्यों लगाती है मुझे? किस पर? आपने डॉक्टर से ये क्यों कहा था कि आपको स्टोर में मां ने बंद किया था? क्योंकि आपने पूछा था। तो मैं आपसे जो भी पूछूंगा आप उसका सच जवाब देंगी? मैं झूठ नहीं बोलती। फारिस, क्यों? सर वो टोमी। क्या हुआ? सर वो टोमी। क्या हुआ टोमी? टोमी के मुंह से झाग निकल गई। क्या? टोमी? आपने देखा जब से टॉमी आया है सितारा का गुस्सा कितना कम हो गया है और जनाब जल्दी सोने भी लगी हैं। देखो जिससे तुम इसका गुस्सा कह रही हो वो इसका स्ट्रेस है और रिसर्च कहती है कि पेट पालने से स्ट्रेस कम हो जाता है। बिल्कुल और रिसर्च बिल्कुल ठीक कहती है। देखो जहां पेट पालने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है वहाँ आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होता है। कहाँ इसको अपने खाने पीने का होश नहीं था और अब देखो इसका एक टाइम टेबल बन गया है, खाने पीने जागने सोने हर चीज़ का, है ना? इट मीन्स स्ट्रेस कम हो गया है। क्यों? स्ट्रेस तो खैर कम नहीं हुआ लेकिन हाँ टाइम ज़रूर कम हो गया। ये मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं है। क्यूट। फूड दिया इसे? हाँ दीजिए। अगर किसी को बुला लिया होता तो अब तक वो चीजें ले गया होता। तुम यहां क्या कर रही? चलो उठो जाओ यहां से। अच्छी तरह कमरा साफ करने, सब चीजें समेटो बहुत अच्छी तरह, ठीक है? अरे कितनी ढीठ लड़की हो, अभी तक गई नहीं यहां से? टॉमी मर गया माँ। अच्छा पीछे हटो, मुझे तो छोड़ो। प्लीज मुझे बचा रहे माँ। माँ प्लीज। मार दिया तो अब रो क्यों रही हो? आप सब कर सकती है माँ, प्लीज मेरे टॉमी को बचा ले। अच्छा मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पीछे हटो। खादिम, खादिम शनाज को बुलाओ। चलो अंदर। कोई अंदाजा है कि सितारा टॉमी को जहर कब से दे रही थी? सर सितारा मैडम तो टॉमी का आपसे ज्यादा ख्याल रखती थी। उन्होंने बल्कीज मैडम को खुद कहा है कि जहर उन्होंने दिया है। सर पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मगर वो तो ऐसे रो रही थी जैसे कि उनका अपना कोई सगा मर गया हो। ठीक है जाओ तुम।
सारा, सारा प्लीज। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। अच्छा क्यों? क्यों मतलब तुम मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही हो तो फिर मैं क्या करूं? मेरा पीछा करना छोड़ दो। सारा तुम तो मुझसे प्यार करती थी। करती थी मगर अब नहीं करती। ठीक मैं चला जाता हूं तुम्हारे बगैर। हाँ तो ठीक है ना, जाओ। तुम्हें छोड़कर जाने के अलावा और आता भी क्या है? पूछो इसे कि कौन सी कसर रह गई है हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में, जो ये रातों को गायब होकर पूरा करेगी। माँ आप गलत बात कर रही हैं। मैं गलत बात कर रही हूँ? कल तो तुम कह रहे थे कि सवेरा की गलती है, आज किसकी गलती है कि ये? अब भी सवेरा की ही गलती है। क्या? उसने एक बेजुबान जानवर को भी नहीं बख्शा। पागल हो गई हो? क्या बात कर रही हो? जहर उसके खाने में नहीं, सवेरा के लाए हुए प्याले में था। क्या? और तुम्हारे पास सबूत क्या है कि सवेरा ने उसको जहर दिया है? सबूत ही रिपोर्ट्स हैं, बाकी काम पुलिस का। पुलिस? What is she talking about? अब इस घर में पुलिस आएगी? Don't believe this. छोड़कर जाने के अलावा और तुम्हें आता भी क्या? तो जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं क्या करूंगा? मनाओगी और क्या करोगे? मनाने से मान जाओगी तुम? आजमा कर देखा है तुमने? इतने टाइम से तो तुम मुझे आजमा रही हो। सारा मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, बस कॉल्स करके थक गए तुम। मेरा याद नहीं ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुम सबका बदला लोगी तुम मुझसे? तुमसे बदला लेकर मैं कहां जाऊं? हाँ कहां जाओ? मेरे साथ अमेरिका चलोगे? हाँ सर। मामा मुझे कॉल्स कर रही हैं, वापस बुला रही हैं मुझे। हाँ तो चले जाओ ना। तो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम प्लीज मामी से बात करो ना। मैं? ऑफ कोर्स तुम। अब मैं तो उनसे बात नहीं कर सकता ना। तुम पप्पो से बोलो वो बात करे। सारा मामी उन्हें कॉल करेंगी तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। मामा को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनका मैका छूट गया है। अब उनके मैके से कॉल आएगी तो ऑब्वियसली वो खुश तो होंगी ना। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता, तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता। मैं वैसे भी तुम्हारे बगैर यहाँ करूंगी भी क्या? चेतन, किस केस की बात कर रही थी आप? मैं आपसे कुछ पूछा, कहाँ गई थी आप? लैब। क्यों? सबूत हासिल करने। बगैर सबूत की FIR नहीं कटती। तो FIR तो आप यकीन के बाद भी नहीं करवा सकती हैं। मेरे टॉमी को मारा है, आप चाहते हैं मैं कुछ ना करूं? आपका टॉमी, वो मेरा कुत्ता था। आप कौन होती हैं केस करने वाली? तो क्या वाकई में ऐसे? जब आपने कहा था कि आपने जहर दिया था तो मैंने आप पे केस किया? नहीं ना, फोरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ ये साबित करती है कि जहर दिया क्या है, जहर किसने दिया ये साबित नहीं करती। आप सवेरा को क्यों बचाना चाहते? तो आप उसे सजा क्यों दिलवाना चाहती? क्यों उसने टॉमी को मारा है? जब आपने कहा था कि जहर आपने दिया है तो अपने आप को खुद क्यों नहीं पुलिस के हवाले किया आपने, बताएं? आपको करना चाहिए था, गलती आपकी।
मैं ये सब करके आपका तमाशा नहीं बनाना चाहता था। क्या वाकई आप नहीं चाहते थे? तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ जो हुआ है वो मैंने करवाया है? करवाने की क्या जरूरत? क्या कहना चाहती हैं आप? आप विल पावर पे बिलीव करते हैं? आप मेरा मजाक बनवाना चाहते थे ना? हो गया ऐसा, अब आप करें या कोई और, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको अभी तक जो कुछ हुआ है वो मैंने चाहा था? आपके साथ कोई दस्तराजी करे ये मैं सोच भी कैसे लिया आपने? निकाह करके आपको यहाँ लाया। निकाह नामा के हर शिक पे आपने मेरी जिल्लत लिखी है। मैं कुछ भी चाह सकता हूँ सितारा, लेकिन एक लड़की की तजलील नहीं। अंडरस्टैंड? शायद आप उसे लड़की नहीं समझते। आप जब से इस घर में आई हैं, आपकी तजलील कभी चाही मैंने? बताएं। आप क्या चाहते थे कि मैं सवेरा के जूते साफ करूं? मेरी दादी कहती हैं कि औरत को कैसे जलील किया जाए, ये तरीका औरत से वाबस्ता मरती बताता है। तो फिर जाके अपनी दादी को बता दीजिएगा आप कि इस रसवाई के खेल के बावजूद इस घर में आप वहां से ज्यादा महफूज हैं। सारी दुनिया की नजर से मुझे ऐब की तरह छुपाने को आप हिफाजत कहते हैं? ऐब की तरह छुपाने और इज्जत की तरह बजाने में बहुत फर्क होता है सितारा, लेकिन शायद आप वो फर्क समझती नहीं है। एनीवे, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, कोई भी केस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो केस मैं आप पर कर दूंगा। आप ना तो उस कुत्ते की मालिक थी और ना ही उसके साथ हमदर्दी का आपको कोई हक हासिल है। हक जताने में और फर्ज निभाने में कुछ फर्क होता है, आप नहीं समझेंगे। सुने, I'm sorry for last night. I mean, it's okay. आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं लाके दे सकता हूँ। I mean, whatever you need. मुझे papers चाहिए। ला सकते हैं मेरे लिए? पेपर्स का क्या करती हैं आप? बस मुझे चाहिए। कहीं आपको डायरी लिखने की आदत नहीं? मैं किसी भी आदत की गुलाम नहीं हूं। ठीक है, मैं शाम में आपके लिए डायरी ले आऊंगा। डायरी नहीं, पेपर्स चाहिए मुझे। सादा पेपर में लिखने में आपको मसला नहीं होता? सादे पेपर्स पे लकीरें खींचना ज्यादा आसान होता है। सैफ को तुम्हारी इज्जत की परवाह है या अपनी मां को खुश करने की? मेरी इज्जत की परवाह है तभी तो मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? सबके सामने झुक के मैं तुम्हारे रिश्ते की खुद बात करूं? अम्मी क्यों सीन क्रिएट कर रही हैं? पहले हर वक्त खुद ही कहती रहती थी सैफ से शादी कर लो शादी कर लो, अब शादी कर रही हूँ तो खुद रोड़े अटका रही है। सारी गलती ना आपकी थी, पता नहीं फजूल की बातें कर करके मेरा दिल खराब करती रहती थी। मैं कुछ नहीं जानती, सबसे बात आपको ही करनी होगी और आप करेंगी। Thanks for the dinner, Uncle.
काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक है अंकल, बस वो जरा मसरूफियत ज्यादा हो गई है। अकेले काम को हैंडल करना इतना आसान नहीं है फारिस। ठीक कह रहे हैं आप, अकेले तो आप थक जाते होंगे ना। कैसा लग रहा है सितारा? क्या फारिस से शादी करके मुश्किल तो हो रही होगी ना? मुश्किल क्यों होगी? कॉलोनी से उठकर इतने बड़े घर में आ गई हो, अपनी जगह समझना इतना आसान तो नहीं होता ना। तुम्हें पता है कि सवेरा फारिस की मंगेतर है? थी। बहुत प्यार करता है इससे, पागल हो रहा था शादी करने के लिए, अब तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शक्ल तो अब खैर वो रोज देखेगा इसकी। किसकी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी? वो सवेरा की। मैं सितारा को बता रही थी कि सवेरा अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर रही है, सुलेमान अब थक जाते हैं ना। चलें अच्छी बात है, सुलेमान अंकल से कुछ सीख ही लेगी। हाँ बिल्कुल, और फिर तुम भी तो होगे वहाँ एक ही ऑफिस में, दिन भर तुम्हारी नजरों के सामने होगी तो तुमसे भी तो कुछ सीखेगी ना, है ना? क्या बात है सितारा, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। ओ हाँ, सितारा ने तो खाना नहीं खाया था। मॉम तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ आपकी तबीयत को सितारा? नहीं ठीक तो हॉस्पिटल ले जाओ ना अपनी बीबी को। हॉस्पिटल? हाँ बस जब से शादी हुई है हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रहा है, परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ सवेरा, तुमने बहुत गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या गलत किया सवेरा? आपको नहीं पता जिस रात हमारी शादी थी उस रात सवेरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बहुत परेशान थे फारिस, सारी रात हॉस्पिटल में ही रहे। वो फारिस से मोहब्बत बहुत करती है ना, तो डिप्रेस हो गई थी। मोहब्बत करती थी तो हंगमी क्यों तोड़ी? तुम्हारी वजह से तोड़ी। तुमने झूठा इल्जाम लगाया था फारिस के ऊपर, भूल गई? मैंने इल्जाम लगाया था? अब छोड़ो इन बातों को। इतनी बेचारी क्यों बन रही हो तुम? ऐसे क्यों एक्टिंग कर रही हो जैसे कुछ जानती ही ना हो? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने फारिस का कैरेक्टर पूरी दुनिया के सामने मशकूक बना के रख दिया सितारा। मैंने? हाँ तुमने। अगर मैंने मशकूक बनाया है तो तुम तो सारी दुनिया के आगे हाथ थामती, मोहब्बत की थी ना तो एतमाद तो करती। I think I'm in. चलो चलो। सुबह तुमने कल से कुछ नहीं खाया पिया? नहीं, मगर तुम्हें कैसे पता? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी भूख प्यास का अंदाजा लगा सकता हूँ मैं। हाँ तभी तुम हुदा की बातों में इतनी जल्दी आ गए थे। तुम भी तो आ गई थी। अच्छा सितारा की शादी सैफ से होने वाली थी, लेकिन सैफ की शादी उसकी किसी और कजन के साथ। तुम्हें नहीं लगता सितारा झूठ बोल रही है? सितारा
सितारा मर के भी किसी के लिए झूठ ना बोले, चाहे किसी को हार्ट अटैक ही क्यों ना आ जाए। अच्छा जूस पियो। थैंक यू तुबा। अरे तुम भी तो कुछ खाओ ना प्लीज। नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ, आज मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाह रहा हूँ। कैसी हो तुम यहाँ? ये तुम्हारे लिए। सैफ और तुम? क्यों, तुम्हें क्या लगा था मैं अकेली रह जाऊंगी, रोती रहूंगी, पछताऊंगी, है ना? मुबारकबाद नहीं दूंगी। और तूबा आओगी ना सैफ को मेरा होता देखने? तू अंदर कैसे आई? Meet my wife. अपनी बीवी से नहीं मिलाओ? Wait. पहले तो दूसरी नहीं थी? एक साथ आए हो आप तो वही है ना जो पिछली बार। लेट्स गो मीट अगेन। सितारा क्या हुआ? मुबारकबाद नहीं दो? मुबारक। अच्छा नहीं लग रहा मुझे और सैफ को साथ देखना। किसने कहा दो बुजदिल एक साथ बैठे हैं तो मुझे क्यों बुरा लगे? इससे पूछ लेना किस हद तक साथ निभाएगा तुम्हारा। सितारा जीत आई अम्मी। सैफ को तुम खुद छोड़ कर गई थी। मैंने पूरी दुनिया देखी जिसके दम पर तुम उड़ रही हो ना। देखना एक दिन मुंह के बल फेंकेगा। ये बात आप सारा को समझा दीजिए। सारा अगर तुम ठोकर खाकर गिर भी गई ना तो ये रुकेगा नहीं, छोड़कर भाग जाएगा। और ये बात मैं दुनिया देखकर नहीं कह रही हूं, अपने तजुर्बे से कह रही हूं।
पागल तो नहीं हो गई हो? मैं बहुत होश में हूँ। तो फिर इस तरह की ईमेल क्यों की तुमने? मैं उससे नहीं मिलना चाहती। और तुम्हें भी हामी भरने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना? सितारा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम केयरलेस हो रही हो। केयरलेस? हाँ तो किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे लंच डिनर करना कोई अकल की बात है क्या? सितारा, फारिस स्ट्रेंजर कब से हो गया? वो मेरा कितना पुराना दोस्त है और नूर अंकल का स्टूडेंट भी तो है, और तुम्हारा भी तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो तुम अपनी हद तक रखो। तुम फारिस के बारे में खामखा इतना कंफ्यूज हो रही हो? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बहुत क्लियर। जिसने अगर जाना ही नहीं है तो उसका रास्ता क्यों पूछना? क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक मैं उससे मिली नहीं हूँ, तो आप क्यों मिलूंगी? तो तुमने किस्मत खोल के पढ़ ली है क्या? क्या आगे कभी भी नहीं मिलोगी? किस्मत में तो कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन हाँ मैंने अपनी डैड की नजर जरूर पड़ी है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमजा है। अब इस सारे डिस्कशन में तुम्हारे डैड और हमजा कहाँ से आ गए? सितारा, ये तुम उससे कह दो ना कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। पर मैं उसे क्या कहूँ कि तुम क्यों नहीं मिलना चाहती? कह देना कि किस्मत में नहीं है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। हेलो, सीरियसली? थैंक गॉड, दैट्स गुड न्यूज। ठीक, ओके, बाय। अली की जमानत हो गई है। अली वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बचपन से जानता हूं मैं उसे। वो थोड़ा दिल पैंक, फ्रिवलस, शोक तबीयत का, लेकिन किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता वो। उसे फ्रेम किया गया। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि आप आशीष से कहें कि वो अपना केस वापस ले। अगर वो वाकई में बेगुनाह होंगे तो कोर्ट खुद ही केस डिसमिस कर देगी। बेगुनाही साबित करने में वक्त लगता है, और वक्त नहीं है मेरे पास। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि मुझे एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना है। अमेरिका? हाँ,
काफी अरसे से पोस्टपोन कर रहा था लेकिन अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट है। आप प्लेन में जाएंगे? प्लीज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेन क्रैश हो जाता है इसलिए। What? जो प्लेन में जाते हैं वो वापस नहीं आते। Oh my God. I don't believe this. लाखों लोग रोजाना जहाज से ही सफर करते हैं। मुझे लाखों लोगों की फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। मेरी फिक्र क्यों है आप? क्योंकि को खोना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इस बार वाकई में मर जाऊंगी। तो मर जाए आप फिर, क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ। मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? मोहब्बत? और मैं आपसे? उस दिन आपने मुझसे माफी मांगी है। माफी मैंने आपसे उसकी मांगी थी जो आपके साथ हुआ, ठीक है? लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है ना सितारा, उसके लिए तो कभी माफ नहीं करूंगा मैं। मैंने ऐसा क्या किया है? मेरे खानदान और मेरी इज्जत, सबकी धज्जियां उड़ा के यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क मी कि आपने क्या किया? क्या किया? आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? हरगिज़ नहीं। तो फिर पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार क्यों किया था कि मुझे साथ लेकर जाएंगे? अगर मेरी रिसेप्शनिस्ट भी इतनी देर तक रुकेगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसे घर ड्रॉप करके आऊं, सही है? पार्टी में झगड़ा क्यों किया था मेरे लिए? अगर कोई भी किसी के साथ ऐसी हरकत करेगा ना तो मैं उसके लिए ऐसा ही स्टैंड। हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? अस्पताल में अपने कुत्ते को भी लेकर जाते हैं, सही है? वो मेरी इंसानियत है। दैट्स द गुडनेस ऑफ माय हार्ट। मैं समझी मोहब्बत। बताया ना तुम्हें, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नफरत नहीं बल्कि नफरत भी मामूली लफ्ज है तुम्हारे लिए। मुझे तुमसे घृणा है। तो कूड़े से आती है, क्या मैं आपके लिए कूड़ा हूं? आप कूड़े से भी ज्यादा गलीज चीज है। कूड़े की स्मेल आती है ना, लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस में ना मेरी सांस बंद होती है। जैसे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। दम घुटता है आपका? मर जाएंगे आप सब, मर जाएंगे। और मैं नहीं मरूंगी ना, मैं जिंदा रहूंगी अकेले। चले, मैंने आपसे कहा कि लेट्स गो फ्रॉम हियर, गेट अप। ये क्या करेंगे? एक बार चूक कर देखे, इतना सब कुछ सुनने के बाद अब भी मैं जिंदा हूं? आप उन बेजमीर लोगों में से हैं जो मर तो कब के गए लेकिन दफनाए नहीं गए अभी तक। दफनाया तो खजाने को जाता है। Oh please cut the crap and get up. मैं तो कूड़ा हूँ, गलीज कूड़ा। Just stop it, will you? कूड़े को तो जलाया जाता है, जला दे मुझे। ये तमाशा खत्म करें and just shut up. बेशक नहीं जला दे मुझे। Fair enough. सही कहा था आपने, खानदानी लोग आपको वाकई रास्ते। आशर, काइंडली अपनी बहन को यहां से आके ले जाओ। एड्रेस मैसेज कर रहा हूं मैं तुम्हें।
बताओ मुझे क्या हुआ है। ठीक है मत बोलो, मैं उसी से फोन करके पूछ लेती हूँ। कहते कि वो मुझसे नफरत करते, कि उनको मुझसे घिन आती है। ये उसने तुमसे कहा? कहते कि मेरे साथ उनका दम घुटता है, कि मैंने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। क्या मैंने ऐसा किया है? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो उसने किया है तुम्हारे साथ। रुक जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। रहने दे सना, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए। वैसे गलती आप लोगों की ही है, उसके ऊपर केस करने के बजाय आप लोगों ने इसका निकाह करवा दिया उससे। उसकी तो मजबूरी थी शादी करना, पर आप लोगों की क्या मजबूरी थी? मजबूरी? मैं मजबूरी थी? नहीं, तुम उसकी मजबूरी नहीं थी, तुम उसकी जरूरत थी। आप उसे सच बोलने से क्यों रोक रहे हैं? तो और क्या करें? बताएं इसे कि फारिस ने इससे शादी सिर्फ और सिर्फ बदनामी के खौफ से की थी, वरना आपको क्या लगता है उसे अपनी गलती का कोई एहसास है? नहीं, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसका बायकॉट हो गया था। लोगों के मुंह बंद करने के लिए उसने तुमसे शादी की थी, ताकि सबके सामने तुमसे अपने हक में गवाही दिलवा सके। वो गवाही दिलवा सके? वो चाहता था कि ये सबके सामने कहे कि फारिस ने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि इसने फारिस पर इल्जाम किसी मकसद के तहत लगाया। इल्जाम लगाया था? इसकी सवेरा के सामने गवाही के बाद सवेरा ने मंगनी तोड़ दी थी। बिजनेस में उनको फर्क पड़ रहा था, उसकी मदर पे प्रेशर था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसे हरास करते हुए पकड़े गए? तुम्हें। मुझे? जब तुमने उसे सबके सामने पहचानने का हौसला कर लिया था, तो शादी पर क्यों मजबूर हो गई तुम? और अगर शादी कर ली थी तो इतना सहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो तुम्हारा गुनहगार है, सजा तुमने क्यों भुगती? उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? जो कुछ भी उस दिन तुम्हारे साथ उसने लिफ्ट में करने की कोशिश की, क्या वो गुनाह नहीं था? वालेकुम अस्सलाम। मैं सितारा को लेने आया हूँ। क्यों जी? क्यों भेजूं उसे तुम्हारे साथ? ताकि फिर तुम उसे आधी रात को कहीं छोड़कर चले जाओ? मैं आपको घर ले जाने के लिए नहीं आया, बिलग्रामी साहब की तबीयत खराब है, चाहते हैं कि मीटिंग आप ही अटेंड करें। लेकिन अगर आप नहीं जा सकती तो मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चलती हूं। सितारा आप बैठे, मैं आती हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। लेकिन मुझे तुमसे मिलकर बहुत दुख हुआ। तुमने अपने घर वालों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बताया तो था कि अब मेरा कोई इंतजार नहीं करता। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे फोन कर सकती हो। अब आप प्रोजेक्ट क्यों छोड़ रहे हैं? फिकर ना करो, तुम्हारी वजह से छोड़ के नहीं जा रहा मैं। तो फिर क्यों छोड़ रहे हैं? पर्सनल इंटरेस्ट। ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं सर। पहले तुम बहुत अच्छी थी, उखड़ी उखड़ी सी। ये बदलाव अच्छा नहीं। वक्त सारी अकड़ निकाल देता है। तुम बिल्कुल सना जैसी बातें कर रही हो। है कैसी हो तुम्हारी दोस्त? पता नहीं सर। खैर मुझे इजाजत।
ओके अल्लाह हाफिज। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, पेंटिंग है और क्या है? अच्छा, कौन बना रहा है? मैं बना रही थी, एक्चुअली फारिग थी तो सोचा प्रैक्टिस कर लूं। अच्छा, मुझे लगा कि क्या लगा? कुछ नहीं। Can I have a look? नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं खुद दिखा दूंगी। लेकिन मैं बस देखना चाहता हूँ। नहीं फारिस, प्लीज। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर देखा था। हाँ, वहां मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। कौन सी फ्रेंड? तो मेरी सारी फ्रेंड्स को नहीं जानते फारिस। लेकिन अपने नेबर्स को तो जानता हूँ। तुम अपने घर के लोगों को सही से नहीं जानते, अपने नेबर्स को क्या पहचानोगे? मैं तलाक देना चाहता हूँ। दो लाख या जितनी भी रकम आप चाहें, मैं देने को तैयार हूँ। सुबह जी, अभी इतनी रात हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी? क्या मतलब? आप सुबह तलाक दे दीजिएगा। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ना सितारा, तो इतनी आसानी से तलाक के लिए कैसे मान गई तुम? क्या तुम भी यही चाहती थी? आपको तो मुझसे गवाही लेनी थी, क्या भूल गए? आप प्लीज बाहर चले जाइए। क्यों? क्योंकि नामहरम के साथ तन्हाई जायज नहीं है। तलाक कभी हुई नहीं है। सुबह रजिस्ट्रार के पास जाना, ठीक है? दिल के फैसले रजिस्ट्रार के मुताज नहीं होते। क्या मतलब है तुम्हारा? रिश्ते नियतों से बनते हैं और टूटते हैं। आपने नियत कर ली, मैंने मान लिया, हो गई तलाक, हो गए आप मेरे नामहरम। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तो जाओ, कल की जाती आज ही जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें जाने का, निकल जाओ। बल्कि अभी निकलो, मेरा घर दबाओ, जाओ यहां से। आई सेड आउट। कल रात को कहां चली गई थी आप? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आपके घर से चली गई थी, काफी है। कहाँ गई थी उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं हूँ मैं। अगर कोई ढूंढने आ जाता आपको तो? इसे किसी को भी इतनी मोहब्बत नहीं है कि मुझे ढूंढता। मेरे
जी क्या? अच्छा मैं आ रहा हूँ। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी फारिस है? नहीं है। अब कहाँ गया है? रजिस्ट्रार के ऑफिस। सितारा के साथ? मगर क्यों? क्या तलाक? जी मां। फारिस तुम अभी तक पहुंचे नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस? वो सना तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। वो सुलेमान अंकल को हार्ट अटैक हो गया था तो वी जस्ट केम टू द हॉस्पिटल। लेकिन सना क्या कर रही है वहां पर? वो तो मुझे कॉल कर लेती ना। एनीवे मां मैं बाद में बात करता हूं आपसे। चलें। लिफ्ट। क्या मतलब लिफ्ट? या 5 फ्लोर स्टेयर से जाना चाहती हैं? सितारा हमें देर हो रही है, लेट्स गो। जल्दी चलो। नहीं फारिस, फारिस मुझे नहीं जाना। फारिस मुझे नहीं जाना। What's wrong with you? मुझे नहीं जाना। Behave yourself. Please इसे रोके। Please, रोके तू पागल? सितारा दिस बैक ऑफ। हमजा, हमजा। हमजा कौन हमजा? क्या हो गया सितारा? मौत नहीं आई है, हेल्प आई है। तो पहले तुम चले जाओ। अच्छा मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा हाथ दूंगा, डरे बगैर ऊपर आ जाना। ये मदद नहीं है, ये मौत है, ये मेरी मौत है। लेकर आ रहा हूँ। सितारा। 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 क्या किया तुमने? फारिस, तुम? डॉक्टर साहब, सितारा? फारिस, ये सब क्या था? और तुम सितारा को कैसे जानते हो? डॉक्टर साहब, शी इज माय वाइफ। वाइफ? जी। सितारा बहुत सुलझी हुई और हसास बच्ची है। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। खानदानी तरबियत, हवस, लालच। मिसेस हाशिम, मैं उसके खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छी फैमिली से लगती है। है नहीं, ये एक मकार और झूठी लड़की है। मिसेस हाशिम, अगर मैं फारिस को पर्सनली नहीं जानता होता तो सबसे पहले इसकी रिपोर्ट में पुलिस में लिखवाता। डॉक्टर साहब प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मैं उनकी तरफ से भी माजरत चाहता हूँ आपसे। आपके दिल में अपनी बहू के लिए इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इसने ये हरकत पहली बार नहीं की। और बहू, बहू तो हम इसे कभी ना बनाते अगर इसने ये हरकत पहले ना की होती। सुनो फारिस, ऐसा पहले कब हुआ? मुझे नहीं जाना। इसको बंद कर, इसको बंद कर, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, इसको बंद कर। आप ऐसे क्यों किया? इसको बंद कर। आपको, आप मुझे छोड़े तो सही, आपको हुआ क्या है? मुझे ये बता। इसको बंद कर। और आप मुझे, आप दोनों बार ये वाकया लिफ्ट में हुआ जी। तो इस सिचुएशन में तुम्हें उसे तलाक देने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए थी। कैसी मदद? इस वक्त तो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। मुझे लगता है कि जिसे तुम मामला समझ रहे हो वो कोई मसला भी हो सकता है। कैसा मसला? तुम खुद सोचो, मेरी बात गौर से सुनो। ये हादसा दोनों बार लिफ्ट में हुआ। दोनों बार तुम उसे लिफ्ट में ज़बरदस्ती लेकर गए और दोनों ही बार लिफ्ट थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। लेकिन वो तो इत्तेफाक था और एक इत्तेफाक का ऐसा रिएक्शन। देखो ये सब कुछ कहना तो क़ाबिल वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ है किसी शॉक या किसी खौफ का नतीजा है। कैसा खौफ, कैसा शॉक? कोई भी माजी में हुआ हुआ हादसा, अंधेरे में या लिफ्ट में या मे बी हरासमेंट। अगर ऐसा था तो फिर उसने ये क्यों कहा था कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की? इसीलिए तो उसे डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन वो होश में तो आ गई है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो फिजिकली फिट नज़र आ रहा हो वो मेंटली भी फिट हो। फिलहाल थेरापी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे,
देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वो मैं अंकल के पास गई थी। ओके ग्रेट, जस्ट डू मी अ फेवर, तुम सितारे के पास थोड़ी देर रुक सकते हो। ये फारिस कहाँ गया? सच जानना चाहता है तो बता दो, और अगर कोई सच तुम छुपा रही हो तो वो भी बता दो। जी सना बेटा, जितनी जल्दी सच का पता चलेगा उतनी जल्दी सितारा का इलाज मुमकिन हो सकेगा। अगर तुम कुछ भी जानती हो इस बारे में तो जरूर बता दो प्लीज। माजी में हुआ हुआ हादसा, अंधेरे में या लिफ्ट में, वो तो यहां ऐसी ही आई थी जैसे मुर्दे में सांस चल रही हो। ना रात को सोती थी ना दिन को खाती थी। तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी तो फिर क्या करती थी? ये करती रहती थी हर वक्त। ऐसा कोई नहीं है जो उसे यहाँ आने से पहले जानता हो? मेरा मतलब है कोई दोस्त कोई रिश्तेदार तो होगा। नहीं, मेरा बेटा और बहू जिस जहाज में थे वो तबाह हो गया था, और ये इतनी अलग थलग रहने वाली इसकी भला कौन दोस्त होगी? वो दोस्त है ना उसकी सना, जो हमारे घर रहने भी आई थी, वो जानती है तुम्हें? फारिस, मैंने कहा था ना सब ठीक नजर आने का मतलब हमेशा सब ठीक है नहीं होता। क्या इसलिए उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था? क्या मतलब इसलिए लगाया था इल्जाम, मुझे दिखाइए। देखिए ये क्या है सब? उसने ना तो तुम पर पहले कोई इल्जाम लगाया था और ना ही आज कोई इल्जाम लगाया। उसने तो वही कहा है जो तुमने उसके साथ किया था। क्या क्या किया उससे? जबरदस्ती। कैसी जबरदस्ती? फारिस सितारा को हाथ पकड़कर जबरदस्ती लिफ्ट के अंदर ले गया था, जबकि वो लिफ्ट के अंदर जाना नहीं चाहती थी। ऐसा ही हुआ था ना फारिस? एक मिनट, फारिस सितारा को लिफ्ट के अंदर लेके गया था, जहन्नम में लेके नहीं गया था कि वो इस पे ऐसा इल्जाम लगा दे? उसके लिए तो वो लिफ्ट जहन्नम ही थी ना। क्या कहना चाह रहे? उस वक्त के हादसे की ये मीडिया कवरेज रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? पहले तो कभी नहीं पूछा। एक्चुअली कल सब कुछ इतना अचानक और अनएक्सपेक्टेड हुआ कि समझ नहीं आया। मैंने कहा ना इट्स ओके, आप परेशान मत हो।
बीजान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मेरी वजह से तो सभी परेशान है। सब प्यार करते हैं तुमसे। अब तुम उन्हें फोन करो और बताओ कि फारिस तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं करता, लेकिन कुछ तो है उसके दिल में। सितारा मोहब्बत ही तो करता है, वरना तुम्हारा इतना ख्याल तो ना रखता। और तुम देखना, एक दिन वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। इतनी जिल्लत के बाद अब अगर मोहब्बत का इजहार कर भी लेगा ना, तो बहुत बड़ा मुनाफिक लगेगा। मुनाफिक नहीं है वो, मुनाफिक लोग इतने जज्बाती नहीं होते, वो तो बहुत होशियार होते हैं। तुम नहीं जानती सना, जो मुनाफिक होता है ना, बहुत बड़ा फनकार होता है। जिससे नफरत करते हैं उसे अपने हाथों का छाला बना कर रखते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। अच्छा सितारा, मैं अब चलती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ ना। नहीं, घर पे कुछ काम होना है और घर की चाबियाँ मेरे पास हैं। तो चाबी भिजवा देते हैं। अंकल को अच्छा नहीं लगता कि उनका घर नौकरों पे छोड़ा जाए। मैं चाबियाँ देके वापस आ जाऊंगी। ठीक है। सना, तुम यहाँ? हाँ, मैं सितारा से मिलने आई थी, बस जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, एक्चुअली घर पे काम होना है और चाबियाँ मेरे पास रह गई हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुझे दे दो। अब नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ वाली क्या बात है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी तुम सितारा के पास रुको। I'll see you. Bye. Bye. तुम गई नहीं? नहीं, वो मुझे फारिस मिल गया था, उसने मुझे फोर्स किया कि वो कीज खुद दे आएगा। अच्छा चलो, अंदर से। तुम यहाँ? किसने बनाई है? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? बताओ। तुम सच सुनना ही नहीं चाहते थे। For God's sake, मैं सच ही सुनना चाहता था। चीख चीख के थक गया था कि खुदा का वास्ते मुझे सच बता दो, लेकिन कोई सच बोलने को तैयार नहीं। तुम उससे इतनी नफरत करते थे कि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, और उसने भी मुझे मना किया था। मैं नफरत करता था, मैं तो खुद सबकी बदगुमानियां झेल रहा था। तुम नफरत नहीं करते थे? मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा था, उस वक्त भी जब वो मेरी हर चीज को दबा कर रही थी। तो फिर उसको बताया क्यों नहीं तुमने? समझ ही देर में आया, और उसके बाद उसे समझाने का मौका ही नहीं मिला। और वो अब तक यही समझ रही है कि तुम उसके साथ कोई खेल खेल रहे हो। नफरत तो मैंने उससे तब भी नहीं की थी जब उसने मेरे सामने टॉमी को जहर देने का इकरार किया। वो टॉमी को जहर दे ही नहीं सकती थी। पहली बार मैंने उसे लिफ्ट में देखा था, इतना स्मार्ट, हैंडसम, देखते ही मुझे अच्छा लगा था। मेरे दिल ने कहा इसे तो तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन मेरी शादी तो तय थी ना, कैसे मैं अपने घर वालों को समझाती, कैसे मैं उसे समझाती। तो मैंने उस पर इल्जाम लगाया और मैंने शादी कर ली, लेकिन वो मेरा कभी हो नहीं सका। जानते हैं क्यों? इसकी वजह से। वो हमेशा इससे ही मोहब्बत करता था, मैं उसे देखती थी और वो इसे सोचता था।
तो मुझे बाद में पता चला कि उसने मुझसे शादी ही इस वजह से की ताकि मुझसे सच उगलवा सके। तो तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? दौलत, दौलत की वजह से। साथ रहकर अगर मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही थी तो दौलत तो मिल सकती थी ना, लेकिन मेरे हाथों में ना दौलत आई ना मोहब्बत। तो अब ये सब कुछ क्यों बता रही हो हमें तुम? ताकि आप लोग सच जान जाए। झूठ बोल रही हो तुम, आज भी तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हो। सितारा, दौलत चाहिए ना तुम्हें? दौलत के लिए टिकी भी हो ना आज तक तुम उसके साथ? जानती हो कि अगर खुला मांग ली तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जब मेरा कोई हक ही नहीं है तो हक मेहर कैसा? तुम जानती भी हो सितारा कि तुम कितनी गिरी हुई हो। हाँ, इतनी गिरी हुई हूं कि अगर आज मैं अपनी बात से मुखर गई ना तो पहले की तरह फारिस की मोहब्बत के लिए तुम रोती फिरोगी, और फारिस तड़पता रहेगा जैसे शुरू दिन से वो तड़प रहा है। फारिस वाकई मुझसे बहुत नफरत करता है, इसके अलावा कोई और बात मायने नहीं रखती है। तुम्हें फारिस नहीं भेजा है? आप फारिस और सवेरा की शादी करा दीजिए। फारिस बुरा इंसान नहीं है। लगता था सुधर गया, गलती फिर से कर गया, बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया। गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल। सितारा को लेने आया हूँ, अगर रस्म खत्म हो गई हो तो हम जाएं। कहा था ना छोड़ के ना जाओ। अब लेके जा रहा हूं, अब वापस ना लाना इसे। बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, वादों से मुकर गया, दिल दिल से उतर गया, बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया। गुस्ताख दिल। डॉक्टर साहब, वो सितारा नाम की पेशेंट अभी एक्सीडेंट का केस आया होगा अंदर, वो कैसी है? ठीक है ना? आप दुआ कीजिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हारिस, सितारा ठीक है? ओह,
हेलो हेलो कौन? मैं फारिस किलानी बात कर रहा हूँ. हेलो 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 जी, मैं फारिस गिलानी बात कर रहा हूँ. आपको मेरा नंबर किसने दिया? उन्होंने जिन्होंने आपकी पेंटिंग मुझे दी. हेलो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था. आपकी हर पेंटिंग पहले से ज्यादा खूबसूरत है. अब आप मेरी किसी ईमेल का जवाब क्यों नहीं देते? आप फेसबुक या इंस्टा या ट्विटर पे हैं? आपको बुरा लगा, मैं सिर्फ आपकी पेंटिंग के लिए शुक्रिया अदा करना चाह रहा था. आई विश मैं ये शुक्रिया आपसे मिलकर अदा कर पाता. तो फिर? ओह, फिर तो आपको मेरे इडियट होने का फैसला मुझसे मिले बगैर नहीं करना चाहिए. अब तो मिलना ही पड़ेगा. डॉक्टर साहब, देखिए कोशिश कीजिए कि उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करें जिसकी वजह से उनके दिल और दिमाग पर जोर पड़े. अभी इस वक्त उनकी सांस को और हार्ट बीट को स्टेबल करना बहुत जरूरी है. और क्या? आपकी मौजूदगी उनको डिस्टर्ब कर रही है. प्लीज, बेहतर ये होगा कि आप उनके सामने नहीं आए. डॉक्टर साहब, वो बीवी है मेरी. देखिए, मशीनें किसी का लिहाज नहीं करती और ना ही रिश्तों को पहचानती है. अब आप ये रिपोर्ट देखिए. जब से आप उनके पास यहाँ मौजूद हैं, ना सिर्फ उनकी पल्स अनस्टेबल है बल्कि उनको ब्रीथिंग लेने में काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही है. प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें. मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? आपने कुछ ऐसा तो किया होगा ना जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुई है. ठीक है, बी केयरफुल. कैसी है? राधिक ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह. आपके पेशेंट को होश आ गया, आप मिल सकते हैं. अल्लाह तेरा शुक्र. मैं देख के आती हूँ उसे. जब से आप उनके पास यहाँ मौजूद हैं, ना सिर्फ उनकी पल्स अनस्टेबल है बल्कि उनको ब्रीथिंग लेने में काफी डिफिकल्टीज आ रही है. प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें. अकेले आए हो? जी. देख लिया ना, अकेला आया. अब तुम अपनी बात से मुकरना नहीं. कौन सी बात? सवेरा और फारिस की शादी की. ये क्या है फारिस? हमारी मंगनी छोड़ के तुम ये कुत्ता लेने के लिए लाहौर गए थे? टॉमी नाम है इसका. आउच, टॉमी. यकीनन ये टॉमी भी आपको उन्होंने ही दिया होगा जो आपको बहुत सारी खुराफात भेजती हैं. सना ने बताया होगा तुम्हें ना? मुझे सब कुछ खुद ही पता होता है. वैसे भी और कौन है सना या उसकी दोस्त के अलावा जिससे इतना तड़प के आप लाहौर मिलने जाएंगे? वो दोस्त जिसने मिलना भी पसंद नहीं किया. फिर तो शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें.
क्योंकि अगर वो मुझसे मिल लेती तो फिर मैं तुमसे ना मिलता। रियली? छोड़ सकते हो मुझे उसके लिए? डॉक्टर सुनील, कैसी हो? खुद जाकर देख लो। शाम में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, आईसीयू में शिफ्ट किया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सो रही है, तुम खामोशी से जाकर देख सकते हो। हाँ। देखो फारिस, जो कुछ होना था हो गया। मान लिया कि वो एक भले घर की लड़की है और ये सब किसी जहनी मसले में किया उसने। लेकिन अब मैं किसी जहनी मरीजा को एक बहू बना के तो नहीं रख सकती ना घर में। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा दे, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी मां, डोंट वरी, मैं उसे हॉस्पिटल से घर नहीं लेकर आऊंगा। बेटे फिलहाल तो आप जाके आराम कीजिए, रात भर के जागे नहीं आप। नहीं बाबा, माँ हैज अ वैलिड पॉइंट, मुझे सितारा को घर नहीं लाना चाहिए। मैं जानता हूं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। चलता हूँ। क्या मतलब है? कहाँ लेके जाओगे? तुम कहाँ जा रहे हो? एक नया घर तो लेना पड़ेगा ना, जहाँ पर मेरी बीवी सिक्योर। फारिस? बाय। फारिस? सुनो। खामोश रहना। गुस्ताख दिल बिना मोहब्बत ही मोहब्बत कर गया, गुस्ताख दिल बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, वादों से मुकर गया दिल, दिल से से ये लूट ले जाता है, लगता था सुधर गया गलती फिर से कर गया, बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया, गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल।
से कहा सितारा सितारा तुम जानती हो मैं कभी किसी को बता नहीं पाया कि मुझसे कभी ना बात करने वाली लड़की के खामोश हो जाने से मेरे दिल में कितना सन्नाटा हो गया ये मुझे कभी ना मिलने वाली लड़की के चले जाने से मैं कितना अकेला हो गया और फिर तुम आ गई तमाम नफरतें दामन समेटे पूरे आग से मेरी बीवी सितारा तुम्हें पता मैं तुम्हें तलाक क्यों दे रहा था सिर्फ इसलिए कि जितना मैं बेबस होने लग गया था बेबस होने लग गया था तुम मेरे दिल में उतरने लग गई थी ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचने लगा था ऐसा लग रहा था सितारा जैसे मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत होने लगी मोहब्बत होने लगी सितारा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता मैं खुदा की कसम खाता मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही मैं देख रहा तो सितारा मुझे लगता था सुधर गया गलती फिर से कर गया बिना इजाजत ही मोहब्बत कर गया गुस्ताख दिल 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 गुस्ताख दिल